लेकिन केंद्र सरकार, हम कई बातें भी रखे थे लेकिन उस कोई बातों पर केंद्र सरकार की कोई ध्यान नहीं आया है। खैर, बिहार इंसॉल्ट्स मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार ये बातें कहती है कि केंद्र सरकार बिहार को आईटी का हब बनाना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार आईटी का हब बनेगा, क्या आईटी क्षेत्र में बिहार में काम होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब सवाल पूछा गया बिहार सरकार में, मंत्री है इसराइल मंसूरी, तो इसराइल मंसूरी ने बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मानसा नहीं है, क्योंकि 5G लॉन्चिंग के दौरान हम वहां पर गए थे, नेताओं से बातें भी हुई, हमने अपनी बातों को भी बताया, लेकिन मेरी बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी, पहले आप इस वीडियो में देखिए। और केंद्र सरकार दावा कर रही है कि बिहार को आईटी हब बनाएंगे, तो क्या अभी तक क्या मतलब क्या लगता है? हम तो गए थे, सहयोग मिल रहा है? हम तो गए थे 5G लॉन्चिंग में, हम गए थे लेकिन केंद्र सरकार, हम कई बातें भी रखे थे लेकिन उस कोई बातों पर केंद्र सरकार की कोई ध्यान नहीं आया है। बोलने के लिए तो केंद्र की सरकार हर चीज़ में बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बिहार राज्य को केंद्र सरकार की कितना हिस्सा मिलता है ये तो हम लोग देखते ही हैं। उनके कितने केंद्रांश का पैसा आज राज्य सरकार विवश है राज्यांश से उपलब्ध कराती है, तो ये लोग तो जुमलेबाज है, बोलते कुछ है करते कुछ। और उनके साथ भी हमको बहुत समय बिताने का मौका मिला, उनकी सादगी, उनके विचार से हम काफ़ी प्रभावित हुए और हर चीज़ को वो पहले जनहित से जोड़ के देखते थे। कोई भी कानून हो उसे जनहित को क्या लाभ होगा इसकी वो बहुत समीक्षा करते थे। और बहुत ऐसे काम है, जैसे मनरेगा मैन से भी उनको जाना गया और यह बहुत ही सफल योजना इस देश के लिए रही और जो भी विभाग में रहे बहुत अच्छा काम भी किए और एक चिंतक की भूमिका में भी पढ़ते थे देश की दशा और दिशा किस तरह सुधरे। लेकिन हम तो उनके साथ बिताने का बहुत हमको मौका मिला, काफ़ी समय उनके हम साथ रहे और ऐसे सच्चे नेता को भी आज के वर्तमान परिदृश्य में जो देश में विचारधाराएं सौंपी गई जिसको जनहित से कोई मतलब नहीं है, उस विचारधारा को जनता के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं और वैसे विचारधारा ऐसे सच्चे समाजवादी को कूद कर गई, काफ़ी आहत होते थे कि हम लोगों का राजनीति क्या था। वो बोलते थे कि हम लोग गांव से पैदल सीतामढ़ी जाते थे, बैलगाड़ी पर चढ़ के जाते थे, ट्रक पर चढ़ के जाते थे आंदोलन करने, लेकिन वर्तमान हालात जो देश में गुजरी उनके सामने वह काफ़ी इससे चिंतित रहते थे कि हमारा देश का क्या होगा। भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर वैसे समाजवादी और जिनको जो है सो पूरे देश में उनके लाई गई योजना से पूरे देश को लाभ हुआ था, वैसे महासचिव को मिलना ही चाहिए। तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार में मंत्री है इसराइल मंसूरी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बिहार आईटी का हब बने। केंद्र सरकार दोहरी नीति अपनाती है, साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि 5G लॉन्चिंग के दौरान हम गए थे वहां पर, तमाम नेताओं से मेरी मुलाकात भी हुई, हमने अपनी समस्याओं को भी बताया, लेकिन मेरी समस्या सुनने के बाद भी सीधे सिरे से खारिज कर दिया गया। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार आईटी का हब बने, केंद्र सरकार दोहरी नीति अपना रही है। और भी क्या कुछ कहना था इसराइल मंसूरी का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।